जयकारण सृष्ट उभरण मम पारण जय 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 ते जय जय जयकारण सृष्ट उभरण मम पारण जय 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 ते। आजकल गुरुद्वारे के द्वार के ऊपर भी जी, एंट्रेंस के ऊपर भी जी, सामने खंडा लगाया जाता जी, है जी। सर, ये खंडे का एक खास महत्व है जी, तो आप वो महत्व बताएंगे। खंडा लफ्ज दरअसल खंडन करना, मौत का चिन्ह है। फिर वहीं पर बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आ रही है। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हालांकि धार्मिक स्थान है, पर जब हमें दूर से दर्शन होते हैं, जैसे किसी जहाज, दूर जहाज पर सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो उसके मस्तूल पर पड़ती है। किसी को आश्रय चाहिए, किसी को सहारा चाहिए, तो उसका मस्तूल नज़र आता है। इसी तरीके से दूर से गुरुद्वारे का वो निशान साहब या उसका फ्लैग जिसको कहते हैं, वो निशान साहब नज़र आता है। पर निशान साहब से ऊपर भी वहाँ पर कोई गुरबाणी की तुक नहीं है, यहाँ पर गुरबाणी नहीं लिखी हुई या कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई धार्मिक चिन्ह उस तरीके से नहीं है। वहाँ पर भी एक खंडा बनाया हुआ है। ये जो खंडा है, दरअसल भारतीय संस्कृति में सबसे पहले जो जिसकी वंदना की जाती थी वो श्री गणेश की जाती थी या सरस्वती की वंदना की जाती थी। खास करके साहित्यकार जब भी कोई रचना रचते थे तो सरस्वती की वंदना से करते थे। पर गुरु गोविंद सिंह साहब ने महान रचना की जो कि दसम ग्रंथ साहिब के रूप में मौजूद है, उसमें हैरानी है, वो शुरुआत करते हैं जो उसकी जो प्रारंभता करते हैं उसके लफ्ज़ हैं, नमस्कार श्री खड़ग को करो सो हित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथ ए तुमम करो सहाय। वहाँ पर भी वो खड़ग की वंदना करते हैं, पर खड़ग का अर्थ भगवती श्री साहब, श्री साहब लफ्ज़ जो है ये गुरु साहब के लिए भी इस्तेमाल हुआ। बिहारी कवि ने गुरु गोविंद सिंह साहब को कहा था, चादर मैली साबण थोड़ा जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे मैं केड़ा केड़ा तोवां, दागां दी कोई कीमत ना ही मैं क्यों कर हच्छी होवां, श्री साहब मैनु दर्शन देवो मैं सच्चे साबण तोवां। वहां पर भी उनको श्री साहब से संबोधन किया गया और श्री साहब गुरु साहब ने तलवार को संबोधन किया, खड़ग को किया, भगवती कह के उसका स्मरण किया। दरअसल जो भी सत्कार योग लफ्ज थे, शब्द थे, उन सभी को गुरु साहब ने खड़ग के लिए इस्तेमाल किया। पर साथ ही वो अपने इस आशय को भी स्पष्ट करते गए, क्योंकि सिख की अरदास, रोज की अरदास जो है वो भगवती की वंदना से होती है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई तिहार, गुरु नानक साहब से पहले भी भगवती की स्तुति करते हैं। पर इसमें कोई शक ना रह जाए, शंका ना रह जाए, वो वार श्री भगवती जी की जो रचना है उसमें ये भी कह रहे हैं कि लई भगवती दुर्ग शाह वरजागन भारी, मारी राजे शुंभ नू रथ पिए प्यारी, दुर्गा ने भगवती उठाकर राजे शुंभ को मारी। इसका मतलब यहाँ भगवती का स्पष्ट अर्थ जो है वो श्री साहब है, खड़ग है, कृपान है, खंडा है। और इसको स्पष्ट किया कि मैं उस भगवती को नमस्कार करता हूँ, नमो श्री भगवती बडैली सरोही नाओ भगवती लोह घड़ाया, जो लोहे से बनाई गई है, मैं उस भगवती को नमस्कार करता हूँ, मैं उस भगवती को नमस्कार करता हूँ जब किसी के पेट के अंदर जाती है वापस आके ऐसी नजर आती है जैसे किसी दुल्हन ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। सो सिख धर्म में, सिख सिद्धांतों में जो शस्त्रहीन हो गया वो समाप्त हो गया, इसलिए सिख रहित मर्यादा में पांच ककारों में कृपान या श्री साहब की इतनी अहमियत है कि प्रोफेसर पूरन सिंह लिखते हैं कि हर सिख को गुरु गोविंद सिंह जी की कृपान पहननी पड़ती है। अगर ये कृपान गुरु गोविंद सिंह जी की है तो फिर ये, फिर इसको छोड़ने का या इसको त्यागने का अर्थ ही नहीं हो सकता। तलवार तो हम ले सकते हैं, तलवार हमें बाजार से मिल जाएगी, पर कृपान जब इसको गुरु की बख्शिश समझ के धारण करेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बाल तो हर एक के होंगे पर जब इन बालों को गुरु की बख्शिश समझ के धारण करेगा फिर ये केश बन जाएंगे,
ये पवित्र हो जाएंगे। सिख धर्म में नगारा की एक बहुत बड़ी अहमियत है, आप उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। ये योद्धा या राज, इसमें कुछ चिन्ह होते हैं, हर एक के कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे राज के चिन्ह नगाड़ा है, बाज है, तलवारें हैं, घोड़े हैं, ये राज के चिन्ह हैं, ये ताकत के चिन्ह हैं। जब मुगल सरकार थी, उन्होंने इन चीजों पर पाबंदी लगाई थी कि गैर मुस्लिम इसको नहीं रख सकते। इतिहास में जिक्र आता है कि बहादुर शाह ने एक बार नगाड़ा बजाया था तो औरंगजेब ने उसको प्रताड़ना की कि तुम्हें बजाना है तो तुम ढोलक या तबला बजा सकते हो, तुम नगाड़ा नहीं बजा सकते, ये राज का चिन्ह है, तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं दिया जा सकता। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा रणजीत नगाड़ा तैयार किया जिस नगाड़े की धूम धमक जो है, उसकी थाप जो है, वो मीलों तक सुनाई देती थी। गुरु साहब ने बाज भी धारण किए, उन्होंने निशान भी लहराए, उन्होंने नरसिंगे भी बजाए, इसीलिए उन्हें सच्चे पातशाह कहते हैं। दुनियावी बादशाह को जो है, गुरबाणी ने कहा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा को हर समान नहीं राजा। जो दुनियावी बादशाह है, जो दुनिया के जो बादशाह हैं, इसमें कोई अति कथनी नहीं है कि उनका राज, उनका आदेश, उनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक सीमा तक है और समयबद्ध है और सीमाबद्ध है। पर गुरु साहिबान के उपदेश, उनके आदेश, गुरु साहब के हुक्म ना तो ये सीमाबद्ध हैं ना ही ये समयबद्ध हैं। जहां जहां भी सिख होगा, जहां जहां भी खालसा होगा, उस पर ये आदेश लागू होंगे। ये सीमा रहत है, ये समय रहत है। सो नगाड़ा जो एक चिन्ह था, एक राज का चिन्ह है, गुरु साहब ने धौंसे भी बजाए, नगाड़े भी बजाए, बाज भी रखे, उन्होंने निशान साहब भी लहराए, ये सब जो है सच्चे पातशाह की निशानियां हैं। सर, जैसे हम बात करें कि सिखिज्म में बैसाखी का एक खास महत्व माना जाता है, वो महत्व के बारे में आप थोड़ा एक तो ये सांस्कृतिक पर्व है, जब फसलें नहीं आती हैं, उमंग है, चाव है, और इसका महत्व है। दूसरी तरफ इसका जो आध्यात्मिक तौर पर, जो सैद्धांतिक तौर पर, गुरु नानक साहब ने आकर के जगह जगह उदासियां की, चार उदासियां उन्होंने की, और वहां पर जा के उन्होंने संगतें कायम की। जैसे महात्मा बुद्ध ने संघ कायम किए, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, गुरु नानक साहब ने जगह जगह जाकर संगतें कायम की, छोटी संगत, मैणी संगत, बड़ी संगत, अभी भी वो नाम प्रचलित है। गुरु अमरदास जी ने मसंद बना करके, मसनद तैयार करके उन संगतों को गुरु से जोड़ा, केंद्र से जोड़ा। बाकी गुरु साहिबान ने इसका प्रचार किया, गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हीं रस्ते पर जाकर उनको दोबारा रिवाइव किया। आज बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया, भाई गुरदास दूसरे उसके बारे में कहते हैं, गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। इन संगतों को गुरु गोविंद सिंह जी ने आज वाहिगुरु जी का खालसा बना दिया। मैं एक शब्द आपको स्पष्ट कर दूं, खालसा वो एक लीगल वर्ड है, कानूनी लफ्ज है। दो किस्म की जमीन होती है, एक जगीरी लैंड है, एक खालसा लैंड है। जगीरी लैंड वो जमीन है जो कि किसी कर्मचारी के अधीन, किसी अधिकारी के अधीन है। खालसा वो जमीन है जो सीधी बादशाह के अधीन होती है। सो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि आज के बाद ये खालसा मेरा नहीं है, मोहम्मद साहब को मानने वाले मोहम्मदन हैं, महात्मा बुद्ध को मानने वाले बोधि हैं, ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी के पैरोकार गोबिंदिए या नानकीय नहीं हैं। ये वाहेगुरु जी का खालसा हो गए, ये किसी के अधीन नहीं रहे। आज ये सीधे इनका जो संपर्क था, इसीलिए उन्होंने कहा भाई गुरदास दूसरे ने कि गुरसंगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। आज के दिन का ये महत्व है कि जो गुरु नानक साहब ने जो पंथ शुरू किया था,
इस पंथ को उन्होंने गुरु पंथ कह दिया, इसको उन्होंने गुरु का रुतबा देकर आप उसके सामने खुद सिर झुका दिया और खुद भी उनसे अमृत की दात की याचना की। यही इसका महत्व है। गुरसंगत की नी खालसा मनमुखी दोहेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेल। कारण सिष्ट उभारण मम पारण जय 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 ते गौ।